नमस्कार, कैसेकरें.com से मैं हूं गोगिरे। आपके यहाँ पर हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज जब हम लोग बात करने वाले हैं इस वाईफाई हॉटस्पॉट डोंगल के बारे में, कि मान लो इसको बार बार कोई कनेक्ट करता है वाईफाई, और आप सोचते हैं यार कि क्या करूँ मैं इसका। वाईफाई पासवर्ड चेंज भी करोगे तो पंगा होगा या कुछ भी होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि वो उस बंदे को हम लोग ब्लॉक ही कर दें, वो इंटरनेट यूज ही नहीं कर पाए। अब कैसे कर सकते हैं ऐसा? या कई बार जब वो आप लोग मुश्किल पासवर्ड भी लगाए रखते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे लोगों को वाईफाई के बारे में पता चल जाता है और वो लोग कनेक्ट कर लेते हैं। बार बार वाईफाई पासवर्ड चेंज करने से परेशान हो जाता है, क्योंकि भूल जाते हैं कई बार वाईफाई पासवर्ड। तो ऐसे में आपके लिए एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, आसान सा और काफ़ी आसान है वो, कि आप उस इंसान को या उसको ब्लॉक कर सकते हैं जो इंटरनेट पर यूज़ कर रहा है आपके इस वाईफाई वाले हॉटस्पॉट डोंगल के इंटरनेट को। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप अगर इस डोंगल के बारे में और सारी जानकारियां जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम लोग ने इस डोंगल के बारे में दी है। अब देखिए, मोटी सी और एक आसान सी बात बताऊँ, रिक्वेस्ट है आपसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो, क्योंकि इनको खरीदने में बहुत पैसा लगता है मेरे भाई। अभी देखिए, आपको ब्लॉक कैसे करना है, किसी इंसान को कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं ये काम करने वाला हूँ अपने लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए। अगर ये सेम काम आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो भी बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो अभी देखिए, ये डोंगल है, सबसे पहले आप इसको ऑन कर लीजिए और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, मोबाइल में जहाँ पर आप ये सब कर रहे हैं उसमें कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जाना है आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर में, वहाँ पर आपको एक कोड डालना है 192.168.0.1। अगर हिंदी में बताऊँ तो 192.168.0.1, तो वो एंटर कर दीजिएगा डाल करके। आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। यूज़र नेम और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है एडमिन एडमिन, तो आप जब वो छोटे अक्षरों में एडमिन एडमिन डाल दीजिए, क्लिक कर दीजिए लॉगिन पर, या फिर एंटर भी मार सकते हैं लैपटॉप कंप्यूटर में है तो। और वहाँ पर जब वो लॉगिन करने के बाद आपसे पूछा जाता है, आपसे बहुत सारे सेटिंग्स का ऑप्शंस आपके सामने आ जाता है, तो वहाँ से जब वो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको एक जो बैटरी का आइकन है उसके साथ में एक दो तीन कितनी डिवाइसेस जुड़ी हुई वो दिखाएगा आपको वहाँ पर। तो वहाँ पर दिखता है, अब दो डिवाइसेस दिख रहे हैं आपको वहाँ पर, तो क्लिक कर दीजिए। अब जिसको ब्लॉक करना चाहते हैं, वो नाम दिया गया हो फ़ोन वगैरह का, लैपटॉप वगैरह का, तो ब्लॉक पे क्लिक कीजिए, वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप उसको चाहते हैं कि यार वो वापस इंटरनेट यूज़ कर सके तो रिमूव कर दीजिएगा, वो आपकी इच्छा पे। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा और वो वहाँ उस जगह पर इंटरनेट जो वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये आसान सा तरीका था ब्लॉक करने का, कोई मुश्किल नहीं था। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए, ताकि ऐसी ही और डोंगल्स के बारे में या इस डोंगल के बारे में वीडियो मिलती रहे। बने रहे मेरे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।